नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से हैप्पी लाइफ विथ बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपसे शेयर करने जा रही हूँ, इसमें आप देख रहे होंगे कि नारियल के कच्चे नारियल जो होते हैं उसकी मैं चटनी शेयर करने वाली हूँ। तो ये बिना दाल की ये चटनी बनेगी, ये मारवाड़ी स्टाइल में मैं इसको चटनी को बनाने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को देखें, बनाएं और पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए मैंने छोटे छोटे पीस में नारियल को यहाँ काट कर रखा हुआ है। और सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि नारियल को जो जार है उसमें रख देती हूँ ताकि इसको पीसने में बने। अब इसमें मैं क्या क्या रख रही हूँ ये भी आपसे शेयर कर देती हूँ। नारियल के बाद मैं जो इसमें रखने वाली हूँ वो आप देख रहे होंगे, एक चम्मच यहाँ नमक है और एक चम्मच ये चीनी है। ये दोनों को मैं इसमें डाल दी हूँ। अब दोस्तों आगे देखते हैं, तो इसको पीसने के लिए थोड़े पानी की भी आवश्यकता होगी, तो पानी इसमें डाल देते हैं। करीब करीब मैं एक कप से थोड़ा कम ही अभी डालूँगी। हो सकता है कि पानी कम हो तो फिर बाद में मिला लेना है, लेकिन पहले शुरू में ही बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालनी है। दोस्तों जितना तीखा आप खाते हो उसके अनुसार हरी मिर्च आपको उसमें डालकर पीस देनी है। तीखापन कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, तो हरी मिर्च उसी अनुपात में आपको डाल लेनी है। और चलते हैं अब इसको पीस करके लेकर के आते हैं। दोस्तों अब ये पीस कर मैं ले आई हूँ, इसमें थोड़े से पानी मुझे और डालने पड़े थे और अब इसको एक पॉट में निकाल लेते हैं। तो तेल गर्म होने के बाद इसमें दो तीन मिर्ची जो है लाल वाली उसको मैं छोड़ देती हूँ, साथ ही कुछ राई के दाने इसमें छोड़ देने हैं। कुछ पत्ते इसमें करी पत्ते डाल देने हैं और ये तड़का के लिए मटेरियल तैयार हो गया। अब इसको तैयार होने के बाद इसको मिला देंगे जो चटनी बनाकर रखी गई है उसमें। दोस्तों तड़का लगाने से पहले जो दही मैंने रखी थी, आप देख रहे हो इस कटोरे में दही है जो बहुत खट्टी नहीं होनी चाहिए, ताजी दही होनी चाहिए, इसको आपको इसमें अच्छी तरह से मिला देनी है। तो अब मैं इसमें तड़का लगाने वाला जो है मटेरियल तैयार किया है इसको मैं अब इसमें डाल देती हूँ। डालकर इसको अच्छी तरह से मिला देना है। आप चाहे तो हींग भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ बच्चे हींग पसंद नहीं करते उतना, तो मैं इसको नहीं डाली हूँ। और इसको आप कोई भी चीज़, इडली, डोसा, पराठे, रोटी, मैं तो रोटी के साथ भी इसको खा लेती हूँ, बहुत स्वादिष्ट लगता है ये बिना चने दाल का नारियल का चटनी। तो दोस्तों इसको जरूर एक बार बनाएं और देखिए खा करके कि जो दाल डाल करके जो बनती है उसे लाख दर्जे आपको पसंद आएगी ये चटनी। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, साथ ही अगर चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं चलती हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।